सो हाई गाइज, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। एंड टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ब्लू माउंटेन विलेज, जो कि ब्रैम्पटन से अप्रॉक्स 1.5 घंटा दूर है। और अभी ये करंट सिचुएशन है, इट्स स्नोफॉल टाइम राइट नाउ, और रात से बर्फ़ पड़ रही है। एंड वी आर ऑल सेट टू लीव। रखो लगेज। और आज पूरे दिन स्नो पड़ने वाली है कनाडा में, और ये सिचुएशन है। ये कार ऐसी हो गई है। जाओ जाओ भाई पीछे। पूरा पूरा पिछला भी पिछला पिछला छोड़ो फिर। पर यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेने, मतलब रिफ्यूलिंग करने और वॉशरूम ब्रेक के लिए रुके हैं। ये एक हाईवे पर पेट्रोल पंप है, यहाँ पर भी स्नोफॉल हो रही है। ये अप्रॉक्स ब्रैम्पटन से भी कुछ 70-80 किलोमीटर आगे है। सो भी हो गई रिफ्यूलिंग एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स ब्लू माउंटेन विलेज अगेन। और अभी यहाँ से बस 30 मिनट का रास्ता और बचा है, सो बाकी वहाँ जाके कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। और ये ब्लू माउंटेन विलेज की पार्किंग। और यहाँ पर ये सामने है ब्लू माउंटेन। अभी कुछ क्लियर देख नहीं रहा, रात हो रही है, स्नो भी पड़ी हुई है, बट अभी ऊपर जाकर देखते हैं। तो फाइनली हमें अभी एक यहाँ पर होटल मिला है, ये रहा नाम इसका। और अभी अंदर से भी दिखाता हूँ, बट इशू इज़ यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है। सो अगर कोई भी विजिट करता है कभी भी, सो मेक श्योर टू प्री बुक योर एकोमोडेशन, आने से पहले बुक करके आना, यहाँ पे थोड़ी अवेलेबिलिटी की दिक्कत है। और अभी भी हमें मिला है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट कोई और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। सो ये है एकोमोडेशन। एंड अभी मैं रूम टूर भी देता हूँ। रिसेप्शन एरिया, देन रूम नंबर 41। वो यहाँ से स्टार्ट करते हुए ये रे दो पिलोज, देन ब्लैंकेट, देन यहाँ पे जैकेट टांगने के लिए दिया हुआ है, क्लोजेट टाइप छोटा सा। यहाँ पर ये मिरर रखा हुआ है, डस्टबिन, पार्टीशन छोटा सा, देन वी हैव टेबल हेयर, टीवी भी चलता है, देन छोटा सा टेबल टाइप, देन अगेन मिरर, लैम्प, फ्रिज, अपना सोफा,
फिर दो बेडिंग यहाँ और दो बेडिंग यहाँ, टोटल ये चार लोगों की बेडिंग है। और वहाँ पे हीटर भी रखा हुआ है और इसमें भी लाइट्स चलती हैं, बट ये रहा बटन लाइट्स का। सो कुछ ऐसी लुक्स है रूम की एग्जैक्टली। इसका बटन पता नहीं है बट रूम सही है, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव राइट नाउ। और यहाँ पर हीट सेट करने के लिए भी है सीनरी। देन वॉशरूम दिखाता हूँ। तो टॉयलेट पेपर, हेयर ड्रायर, देन ऊपर भी हीटर्स का प्रोविजन है, पूरा हीटिंग सिस्टम है। वॉशरूम काफ़ी अच्छा है, बाथिंग एरिया, पार्टीशन। तो रूम सही है बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और दूसरा रूम भी अभी मैं दिखाता हूँ। ये वाला जो रूम है ये थोड़ा सा छोटा है, मतलब जो दूसरा रूम हमने लिया, दो रूम लिए हैं, टोटल सात लोग हैं, तो जो दूसरा रूम है वो इससे बड़ा है। और सात लोग टोटल बेडिंग कितनी है, चार यहाँ पे इस रूम में और पांच दूसरे रूम में बेडिंग है, तो टोटल नौ लोगों की जगह है, बट हम सात लड़के ही हैं टोटल। तो रूम जो पड़े हैं दोनों, वो पहले मैं दूसरा रूम दिखाता हूँ उसके बाद बताता हूँ दोनों रूम्स का एग्जैक्ट प्राइस। तो दोबारा से एक बार लुक। तो मैं दिखाता हूँ दूसरा रूम, बाकी फ्रेंड्स वहीं पर बैठे हैं। ये लॉबी एरिया है एंड यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लगे हुए हैं दैट वी हैव टू बी क्वाइट, शोर नहीं मचाना क्योंकि हम बहुत शांति है। 34 ये दूसरे रूम का वॉशरूम, ये इतना बढ़िया नहीं जितना वो था, बट ये रूम बड़ा है। और एक और सजेशन, जैसे अभी हम ब्रैम्पटन से निकले थे तो ब्रैम्पटन में स्नोफॉल हो रही थी, तो वहाँ का टेम्परेचर था -4, बट कनाडा में एक और चीज़ होती है, फील्स लाइक टेम्परेचर जो है वो अलग होता है थोड़ा, और जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो कम होता है। तो -4 था तो वहाँ पे फील्स लाइक भी -4 था, बट क्या होता है जब ठंडी हवा चलती है तो जो फील्स लाइक टेम्परेचर है वो और गिर जाता है। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा माउंटेन एरिया है, यहाँ पर स्नोफॉल भी हो रही है बट -4 है टेम्परेचर, बट जो फील्स लाइक है जैसे आपको लगेगा -8 के इक्विवेलेंट टेम्परेचर है अभी। सो इफ़ यू आर कमिंग इन विंटर्स, सो बी प्रिपेयर्ड, थोड़े क्लोथ्स कैरी कर लो, विंटर जैकेट, स्नो जैकेट, एंड अच्छे से मतलब प्रिपेयर होकर आना है कपड़ों के साथ, बाहर बहुत ठंड है। सो इफ़ यू आर नॉट कैरिंग इनफ क्लोथ्स और यू आर प्लानिंग टू कम, सो जस्ट मेक श्योर टू बी पैक्ड इनफ कि ठंड बिल्कुल ना लगे, क्योंकि बाहर फील्स लाइक -8 वाली ठंड अभी हो रही है। रात को टेम्परेचर और ड्रॉप डाउन होगा, बट होटल में पूरा हीटिंग सिस्टम है सेंट्रलाइज, अंदर पता नहीं चल रहा बट बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अभी बाहर चढ़ के करते हैं एक्सप्लोर। ਕਰਕੇ ਮੋੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨੇ ਜਾਨੇ ਨੁਕਰ ਜੀ ਲੱਗ ਗਈ।